सबसे पहले इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट क्या होता है, ये आपके मन में क्वेश्चन है तो मैं बताता हूँ। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है, आपके पास कोई भी कंट्री का एक लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो व्हीकल आपको चलाना आता है, तो आप इसका मतलब भी आप कहीं भी जाके व्हीकल या कार या बाइक कोई भी आप चला सकते हैं, जिसका लाइसेंस आपके पास है, इसका मतलब जिसका स्किल आपके पास है। इसलिए 1949 में जेनेवा में कन्वेंशन हुआ था, जिसमें रोड एंड ट्रैफिक रूल्स अप्रूव हुआ था, उसके हिसाब से तकरीबन 167 कंट्री से ज़्यादा कंट्री में आप गाड़ी चला सकते हैं, यदि आपके पास कोई भी देश का ड्राइविंग लाइसेंस है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो। लेकिन इसके लिए जो ओरिजिनल लाइसेंस है उसी लाइसेंस से आप नहीं चला सकते हैं, इसके लिए आपको एक नया लाइसेंस लेना पड़ता है या परमिट लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ड्राइवर्स ड्राइविंग परमिट। ये मैं आपको ये ऑनलाइन से ले सकते हैं, आप घर में बैठ के मंगा सकते हैं, आपके कुरियर में घर पे पहुंच जाएगा, और आपके पास डिजिटल कॉपी भी आएगा, वो 2 घंटे में आ जाएगा, और इजीली आप जो भी कंट्री में आप जाएं, इजीली अपने पास जो लाइसेंस है उससे आप गाड़ी बाइक या कोई भी व्हीकल आप चला सकते हैं। बहुत सारे कंट्री में कंट्री खुद भी देता है, लेकिन बहुत सारे कंट्री आप झंझट हो सकता है उधर उधर तक पहुंचना, या आप कोई कंट्री में पहुंच गए, फॉर एग्जांपल आपके पास इंडिया का लाइसेंस है, अभी आप थाईलैंड में है, तो थाईलैंड में आपको कार चलाना है, तो आप वही लाइसेंस से नहीं चला सकते हैं, उसी टाइम आपको क्या कर सकते हैं, आपको आप अप्लाई कर सकते हैं। या यूरोप में हैं आप, तो आपको अभी ये जो लाइसेंस है ये लाइसेंस आप डिजिटल मंगवा सकते हैं, डिजिटल मंगवा सकते फिर वो आपको डिजिटल दिखा के भी आप चला सकते हैं। ये बहुत आसान है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। उससे पहले आपको अप्लाई करना है तो आप जा सकते हैं लिंक में, मैं डिस्क्रिप्शन में रख दिया हुआ हूँ, कहीं पे आप डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं, आप फेसबुक में देख रहे हैं या यूट्यूब में। उसके बाद आपने जब लिंक क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलेगा, इसमें आप स्टार्ट माई एप्लीकेशन करें, फिर उसके बाद और कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं, प्राइस, कंट्रीज, मुझे IDP क्यों ज़रूरत है, लगाया चीज़। और आप ऑनलाइन से मंगवाना पसंद नहीं करते हैं, फिजिकल मंगवाते हैं, तो हम व्हाट्सअप नंबर देंगे आपको, आप व्हाट्सअप नंबर में हमको इंक्वायरी भी कर सकते हैं, मैं लास्ट में दूंगा, लेकिन आप ऑनलाइन से मंगवाएं तो अच्छा है। फिर आप स्टार्ट माय एप्लीकेशन करें, उसके बाद आपको कौन सा वाला मंगवाना है वो आप एक बार क्लिक करें, जैसे 1 ईयर का है, 3 ईयर्स का है, या आप 2 ईयर्स का है, कौन सा आपको चाहिए। नॉर्मली 3 ईयर्स का $59 प्लस $60 आपको स्टैंडर्ड शिपिंग चार्ज लगता है, आपको उससे पहले चाहिए तो आप फिर एक भी कर सकते हैं। उसके बाद अपना डिटेल भरें इधर, और लाइसेंस का क्लास कौन सा है, आपका कौन सा चीज़ का लाइसेंस है वो क्लिक करें, फिर आप मेल फीमेल जो है वो लगाएं, आई कलर कौन सा है, आपका हाइट कितना है, उसके बाद आपका लाइसेंस, आप किधर पैदा हुए और किधर रहते हैं, उसके बाद लाइसेंस में आपका किधर का एड्रेस है, एग्जैक्टली वो एड्रेस डालें लाइसेंस में जो एड्रेस है। उसके बाद आप वो हो सकता है आप जो एड्रेस में रहते हैं जिसका लाइसेंस है वहीं पे मंगाते हैं, तो आप सेम एड्रेस कर सकते हैं, नहीं तो नया एड्रेस डालें, नया एड्रेस में आपका किधर डिलीवर होना है वो आप क्लियरली डालें। उसके बाद फिर आपका जो एक चीज़ है इधर, पेपल और क्रेडिट कार्ड जो भी थ्रू से आप पेमेंट कर सकते हैं, इधर एड एक्सप्रेस ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 2 घंटा नहीं 10 मिनट में चाहिए तो इधर से आपको मिल जाएगा, आप टिक लगवाएं फिर पे नाउ करें। उसके बाद फिर भी आपको $10-30 नहीं $20 में आता है, मतलब पूछते हैं आपको चाहिए तो $20 क्लिक करें, यस एड माई ऑर्डर बने, जल्दी चाहिए तो, नहीं तो आप नो थैंक्स आई वॉन्ट टू पास ऑन दिस डील बनने वाला क्लिक करें। उसके बाद आप कंप्लीट ऑर्डर करें, उसके बाद आपको इमेज डालने वाला जगह आएगा जिधर अपना सेल्फी डालें, जो ऐसा होता है, उसके बाद आपका लाइसेंस का फ्रंट वाला साइड डालें, उसके बाद आप बैक वाला भी डालें, उसके बाद आप इधर साइन करें। आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से ऑटोमेटिक साइन होगा, नहीं तो एक फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करने के बाद आप क्लिक करें। अब अभी आपको ये कंप्लीट ऑर्डर होगा, उसके बाद आपको मेल आएगा, मेल में ऐसा आपका ऑर्डर कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन आएगा, उधर एक ऑप्शन आता है मैनेज माई ऑर्डर, अभी उधर जाके आपको कोई डॉक्यूमेंट कम है तो डॉक्यूमेंट फिर डाल सकते हैं, इसलिए मैनेज माई ऑर्डर में क्लिक कर सकते हैं। आप ये विंडो खुलेगा, आपका प्रोसेसिंग कहाँ किधर भी पहुंचा हुआ है सब कुछ इधर आएगा। उसके बाद आप ये जो ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर नंबर से बाद में भी चेक कर सकते हैं, ये ऑर्डर नंबर ही आपका मेन ऑर्डर नंबर है, इसके साथ ही आपका जुड़ा हुआ होता है, और इंटरनेशनल ड्राइवर एसोसिएशन में आप जब नंबर देंगे तो वो लोग आपको कभी भी डिजिटल का भी चाहिए तो वो बताएंगे, या इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं वो लोगों के साथ, और इसमें आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। इसके बाद आपको जो
पीडीएफ कॉपी आएगा, जो ऐसा बुक आता है और एक कार्ड भी आता है, ये कार्ड डिजिटल भी आता है, कार्ड ऐसा आपको उसमें इन्वॉल्व में ऐसा होके आता है। ये नॉर्मली ऑनलाइन से ऑपरेट रहता है, लेकिन फिर भी इसका एक ऑफिस है यूके में और ये कार्ड आता है यूएस से, मतलब यूएस से ये लोग प्रिंट करके भेजते हैं। ये वाला कार्ड आता है, ये डिजिटल कार्ड भी आता है ऐसा। उसके बाद आपको ये वाला जो बुकलेट है, ये बुकलेट आता है जिसमें 12 या 13 लैंग्वेज में लिखा भी होता है, लास्ट में ऐसा फोटो आता है एक, और बाद शुरू में ये होता है। और आप ये वाला स्कैन करेंगे तो आपको वेरीफिकेशन में, मतलब वेरीफाई किधर से हुआ, कब तक है इसका वैलिड, सब इसमें दिखाएगा, ये वाला बार कोड में कब तक ये वैलिड है तब सब दिखाएगा। और आपके पास ये बड़ा एक लेटर भी आता है ऐसा। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको एक चेक करना है तो ये वेरीफाई बोल के एक ऑप्शन रहता है इधर, आप इसमें जाके क्लिक करें, इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन, उसके बाद आप ऑर्डर नंबर डालिए इधर, फॉर एग्जांपल 57009 अभी हमने डाला, तो चेक करें। चेक करने के बाद आपको इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन वैलिड है जो 28 जून 2024 तक इसका वैलिडिटी है, ये लिखे आएगा। और उम्मीद है इससे आपको बिल्कुल हेल्प पहुंचा होगा, और आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आपका एक उम्मीद है कि इसको कुछ आपको आइडिया मिला होगा। अभी आप जब अब्रॉड में ड्राइविंग करने के लिए अथवा घूमने के लिए जाएंगे या काम करने के लिए जाएंगे, लेकिन वर्क परमिट जैसे मिडिल ईस्ट में आप विजिट में जाते हैं तो चला सकते हैं, वर्किंग परमिट में है तो आपको वर्किंग वीज़ा है आपके पास तो उधर जाके फिर बनवाना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए हो सकता है यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कंट्री में पीआर मिलने के बाद कुछ टाइम ही तक चला सकते हैं ऐसा होता है, और इसका वैलिडिटी मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा होता भी नहीं है, फिर और 3 साल का बना सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं भी हो सकता है बहुत सारे देशों में, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं टेम्पररी यूज़ के लिए डेफिनेटली भी, जब भी अभी कोई भी कंट्री में जाएंगे। आपको गाड़ी चलाने से कोई रोक नहीं सकता है, ये एक मतलब आपको सपोर्ट करेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपका टाइम शुभ हो।